नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, एंथोनी गुंजालवेज की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक लाश दोबारा लाश। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। हथियार जो पुलिस के हाथों में होते हैं तो सुरक्षा देते हैं, लेकिन जब अपराधियों के हाथों में होते हैं तो डर, दहशत एवं सनसनी मचाते हैं। अपराधियों के हाथों से पुलिस के हाथ लगते हैं तो अपराधियों के बाजे बजाते हैं। विदेशी पिस्तौलों से भरा सूटकेस, डीसीपी इतिहास अब उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वे साधुओं का और काम शैतानों का। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, हम सब शैतान नहीं हैं। कुछ शैतान हम ईश्वर के पुजारियों की टोली में आकर शामिल हो गए लगते हैं। साधुओं के वेश में हथियारों के वे सौदागर डीसीपी के उन शब्द का अर्थ अच्छी तरह से जानते थे। जेल की चक्की तो किसी भी अपराधी को मंजूर नहीं होती। अलख निरंजन, अलख निरंजन। बम बम बोले, उफ, स्मोक बमों की आड़ में वो भागने की चेष्टा कर रहे हैं, मगर मैं फायर नहीं कर सकता क्योंकि इससे असली साधु भी मारे जा सकते हैं। बुम बुम, शैतानों ने अच्छी चाल चली है, मगर मैं इस चाल में नहीं फंसूंगा। मगर सर, बदमाश तो भाग गए, हम उनकी चाल से मात खा चुके हैं। नहीं, हमने मात नहीं खाई। यू आर अंडर अरेस्ट। सर, ये तो असली साधु हैं। नहीं, ये असली साधु नहीं, असली मुजरिम हैं जो भागे हैं। असली साधु वो थे, यही तो इनकी चाल थी जिसमें मैं नहीं फंसा। दरअसल साधु भी एक आम आदमी ही होता है। कोई भी खतरा दिखने पर वो भी सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए ही भागता है। और इंसानों के इस मनोविज्ञान से ये अपराधी अच्छी तरह से परिचित हैं, इसलिए ये नहीं भागे। इनका अनुमान ये था कि हम लोग भगौड़े साधुओं को अपराधी समझकर उनका पीछा करेंगे और तब अपना रास्ता साफ देखकर ये लोग आराम से यहां से निकल जाएंगे। लेकिन सर, आपने इन्हें पहचाना कैसे? इनके पांव के कारण। असली साधु हमेशा नंगे पांव रहते हैं या खड़ाऊ पहनते हैं। उनके पांव कभी भी इतने साफ सुथरे नहीं हो सकते, जबकि इन पांव में जुराबे पहनने के निशान साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। मगर असली अपराधी भी पुलिस से चार दिमाग आगे जाकर ही सोचते हैं। बड़ाम, उफ, हथियारों से भरे सूटकेस में बम विस्फोट हो गया। इस बार नकली साधुओं का भागना जरूरी था। हमने सूटकेस में एक टाइम बम भी रख दिया था, जिसमें केवल चेक पोस्ट से सही सलामत निकल जाने तक का समय सेट किया गया था। यहां से निकलने में देरी होते ही उसे फट जाना था। हमारी ओर से की गई ये अतिरिक्त व्यवस्था आखिर हमारे काम आ ही गई और हम पुलिस के चंगुल से निकल भागे। पुलिस के चंगुल से तो निकल भागे, मगर बम का सेफ्टी निकला हुआ है। काउ, कौवे ने सेफ्टी पिन कैसे निकाला होगा? शहर की सेफ्टी का सवाल हो तो बम का सेफ्टी पिन निकालना ही पड़ता है। काउ बुम, उफ, मैं समझ गया कि ये कौवा किसका है और बम का सेफ्टी पिन किसने हटाया है। मैं भी समझ गया। हाँ, मगर जरा देर से समझे कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मुर्दा जब निकलता है तो पहले मुजरिमों तक एक काला कौवा पहुंचता है, जिसे लोग प्रिंस कहते हैं। काउ, ये काम एंथोनी के सिवाय किसी और का नहीं हो सकता। अपने शिकार के सौओं के चारों ओर वही बनाता है अपनी ठंडी आग से कौवे की आकृति। रूपनगर का सबसे बड़ा चेक पोस्ट तो वही मुर्दा है, जिसे कोई भी अपराधी पार नहीं कर सकता। अपराध जगत में अपराधी अपनी असली पहचान छुपाने और अपने नाम का आतंक फैलाने के लिए नकली नाम रखते हैं। सातिर भाई, वो आ गए तुम लोग। विदेशी पिस्तौलों की एवज में मिला पैसा मेरे सामने रख दो। सातिर भाई, वो, अरे तुम लोग तो खाली हाथ वापस आए हो, पैसा कहाँ है? पैसा मारा गया, हम लोग भी मारे गए सातिर भाई। क्या मतलब? मतलब समझने के लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा।
कौन हो तुम? पिस्तौले उठाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी जरूरत हूँ। तुम मुझे जरूरत सिंह कह सकते हो। मेरी आदमियों के बारे में तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे आदमी जो कह रहे थे, मैं तुम्हें उसका मतलब समझाना चाहता हूँ। दरअसल हथियारों की डिलीवरी देने गए तुम्हारे सभी आदमी मारे जा चुके हैं। क्या मतलब? तो फिर ये कौन है? कोई भी नहीं। अरे मेरे आदमी कहाँ गए? वो आदमी नहीं रहे, भूत हो गए हैं। भूत? तुमने ऐसे आदमी काम पर क्यों रखे जो तुम्हारा काम भी डुबोए और नाम भी? समझने की कोशिश करो, ऐसे आदमियों से काम करवाने का क्या फायदा जो मारे जाएं? मैं तुम्हें ऐसे आदमी किराए पर दे सकता हूं जो तुम्हारा काम भी करेंगे और मारे भी नहीं जाएंगे। कहाँ है ऐसे आदमी? क्या वो मेरा नुकसान पूरा कर देंगे जो पिस्तौलों के ठिकाने पर ना पहुंचने से पूरे 30 लाख रुपए का है? ये काम तो हाई सिक्योरिटी जोन में बनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाकर क्रूसो तुरंत ही कर देगा। तड़ाक, उफ, आ! इस बार सूटकेस से भरी पिस्तौलों का नहीं, ट्रक में भरी पिस्तौलों का सौदा करो। कौन है ये? आम खाओ, गुठलियों के दाम गिरने की चेष्टा मत करो, मगर बदले में तुम्हें क्या चाहिए? और ज्यादा जुर्म, और ज्यादा गुनाहगार जो और ज्यादा हंगामा मचा सके। हर वो काम जो कानून की निगाहों में आने से बचकर किया जाए वो गुनाह होता है। हाथ ऊपर कर लो। हमें खबर मिली है कि इस प्रेस में नकली नोट छापे जाते हैं। ओह, पुलिस को मिली इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। अरेस्ट डैम, ठहरो, किल डैम। हत्यारे तेजी से सक्रिय हुए। सिंग सिंग सिंग, बचो। पुलिस ने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी थी। जिंग जिंग, आ! कुछ गुंडे मारे गए, बाकी भाग निकले। भड़ाक, 2 करोड़ रुपयों के नकली नोट पुलिस के आने से अंदर फंस गए हैं। और तुम कार लेकर कहां जा रहे हो? हमें करेंसी बॉस के पास जाना है। ये रास्ता उस ओर तो नहीं जाता? ये रास्ता कहां जाता है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। रास्ता सीधा मौत को गया था। काऊ, अपराधियों को इस रास्ते पर ले जाने के लिए मैं ड्राइवर बनकर बैठ गया था प्रिंस। भड़ाक, जब ये लोग नकली नोट बनाकर मार्केट चला सकते हैं तो क्या मैं नकली ड्राइवर बनकर कार नहीं चला सकता? करेंसी बॉस के लिए ये करारा झटका था। मेरी प्रेस पुलिस के हत्थे चट गई। मैंने निकम्मे आदमी रखे। उफ, मैं तुम्हें ऐसे आदमी दे सकता हूं जो तुम्हारी जरूरत के मुताबिक सभी काम करेंगे और मारे नहीं जाएंगे। सबसे पहले मेरे 2 करोड़ रुपए वापस दिलवाओ, तब तक ये पिस्तौल तुम पर तनी रहेगी। मैं इस पिस्तौल से नहीं डरता, मगर मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। पुलिस पर जिंग जिंग का जबरदस्त हमला हुआ। शूट देम, जिंग जिंग जिंग, जिंग जिंग, धा 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 धा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।